हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडेंट सीखने वाले स्टैटिक का एक न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, गणितीय अपेक्षा। ये चैप्टर के लिए बहुत सारे कमेंट आए थे मुझे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीखेंगे हम लोग इस चैप्टर के अंदर दो टाइप्स के ट्रू सम्स होते हैं। एक होता है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल और सेकेंड होता है वेरियंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो आज एक टॉपिक पूरा कंप्लीट सॉल्व कराने वाला, तो वीडियो लास्ट जो देखिएगा। तो मैं टॉपिक लेने वाला हूँ वेरियंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, इस टाइप के सम्स को सॉल्व कराने वाला हूँ। तो डायरेक्ट बात करता हूँ क्वेश्चन की कि क्वेश्चन किस टाइप का होता है, सॉल्यूशन कैसा होता है। तो डायरेक्टली मैं लेने वाला यूनिवर्सिटी का सम्स, तो मैं सम्स ले रहा हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 लेने वाला हूँ। और ये क्वेश्चन है 2016 का, 2016 का सम्स है। उसमें आपको दिख रहा होगा सी, इस टाइप का सम्स है। इस टाइप में सम्स में क्या रहता है, एक्स और पी एक्स, ये दो दिया हुआ था। एक्स में यहाँ नंबर दिए गए 0, 1, 3, 4 और पी एक्स में प्रोबेबिलिटी दी गई 0 की प्रोबेबिलिटी 0.1 है, 1 की 0.1 और 2 की दी गई 2p। अभी पी क्या समझाता हूं मैं, 3 के लिए दिया गया 0.3, 4 के लिए दिया गया 3p। तो पहला वैल्यू आपको यही फाइंड आउट करना रहेगा, द वैल्यू ऑफ पी, जो यहाँ पे पी दिया गया। पी की जगह कुछ और भी हो सकता है, पी की जगह के भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। तो पहले हमको पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके बाद मीन मध्यक निकालना है, उसके बाद वेरियंस वितरण निकालना है। तो इस टाइप का सम्स एग्जाम में जरूर आता है, तो वीडियो लास्ट जो देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना रहेगा सम्स में, हमसे सबसे पहले पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी रहेगी। तो पी की वैल्यू फाइंड आउट कैसे की जाती है, क्वेश्चन नंबर 36 है 2016 का। तो पी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले मैं सम्स देखो आपके लिए लिख लेता हूँ। एक्स आई और पी एक्स आई दिया हुआ है 0, 1, 2, 3 और 4 और यहाँ 0.1, 0.1, 2p, 0.3 और 3p। तो पी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो प्रोबेबिलिटी होता है तो आपको पता होता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है कि सिग्मा पी एक्स बराबर क्या होगा, 1। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1। तो 1 के हिसाब से सारी प्रोबेबिलिटी को प्लस कर देना, मतलब जो 0 की प्रोबेबिलिटी है 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, तो सारे की प्रोबेबिलिटी क्या करना है, प्लस कर देना है। तो 0.1 प्लस सेकेंड की है 0.1, थर्ड की है 2p, फिर आगे 0.3, फिर नेक्स्ट है 3p, इज इक्वल टू 1 लिखना ना भूलिएगा। अब सॉल्व करना बहुत इजी रहेगा, आपको डिजिट प्लस कर देना है और पी पी प्लस कर देना है। तो 0.1, 0.1 और 0.3 ये प्लस हो जाएगा तो 0.5 आ जाएगा। वहीं पी की बात करते हैं, 2p है और यहाँ 3p है, तो कितना हो जाएगा, 5p इज इक्वल टू 1। अब क्या करना चाहिए, 0.5 प्लस का है ऑपोजिट सेक्शन में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 5p इज इक्वल टू 1 माइनस 0.5। तो अब 5p इज इक्वल टू यहाँ 1 में से माइनस करके आएगा 0.5। अब क्या करना चाहिए, हमको डिवाइड करना चाहिए, 0.5 डिवाइड में 5, तो आ जाएगा 0.1। ये वैल्यू हो गई हमारी पी की, ये फाइंड आउट हो गया पी की वैल्यू। अब आगे हमें क्या फाइंड आउट करना है, आगे करना मीन और वेरिएंस। तो मीन और वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए टेबल हमको बनाना रहेगा। तो टेबल कैसे बनाना, तो देखिएगा, तो सबसे पहले जो एक्स था और हमारे पास पी एक्स था, दोनों सम्स में से कॉपी कर देना है। एक्स था 0, 1, 2, 3, 4 और पी एक्स जो था, यहाँ पे देखना पहले का तो फाइनल 0.1 है, तो पहले का तो 0.1 ही लिखना है, दूसरे का भी 0.1 है, लेकिन यहाँ पर क्या 2p है, तो ऑलरेडी हमने पी की वैल्यू फाइनल तक कर दी है। तो पी की वैल्यू क्या थी, 0.1 थी, राइट ना। तो 2p मीन्स क्या हो जाएगा, 2 × 0.1, तो फाइनल क्या हो जाएगा इसकी, 0.2 हो जाएगा। वैसे सेकंड 0.3 डायरेक्ट फाइनल आंसर ही है। और थर्ड है 3p, तो p की वैल्यू रख देना है 3 × 0.1, तो क्या हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा। तो ये टेबल हो गया कंप्लीट, मतलब अपने वैल्यू रखी है, तो ऑलरेडी ये जो पी एक्स होगा वो टोटल कितना, 1 ही होना चाहिए, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1। तो आपका आंसर क्या है, राइट है, ये वेरीफाई किया जाएगा। अब आगे मीन और वेरियंस निकालने के लिए आपको दो टेबल ऐड करने होंगे। पहला टेबल होता है एक्स आई पी एक्स आई, मतलब पी आई दोनों का इंटू करना है, और सेकंड रहता है एक्स आई स्क्वायर पी एक्स आई, ऐसा रहता है। अब देखो दोनों टेबल कैसा बनता है, एक्स आई पी एम एक्स आई और पी आई का क्या करना है, इंटू करना है, 0 × 0.1 तो 0 होगा, 1 के साथ इंटू करेंगे 0.1, 2 × 0.2 0.4, 3 × 0.3 0.9, 4 × 0.3 तो 1.2, टोटल कर देना है यहाँ पर, टोटल आएगा 2.6। नेक्स्ट टेबल और फाइनल लास्ट एक्स स्क्वायर पी एक्स आई, एक्स स्क्वायर मीन्स जो एक्स आई पी आई निकला ना उसका अगेन एक्स आई से इंटू करना है, जिससे एक्स आई इंटू एक्स आई एक्स आई स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर नहीं करना है, इसका इंटू करना है अगेन एक्स आई से, 0 × 0 0, 0.1 × 1
0.1, 0.4 into 2, 0.8, 0.9 into 3, 2.7, 1.2 into 4, 4.8. सारी प्लस की डिजिट है तो प्लस कर देना, माइनस भी हो सकता है इसके अंदर, 8.4 है। टेबल हो गया कंप्लीट। अब निकालते हैं मीन और वेरिएंस, इसका फॉर्मूला है तो देखिएगा क्या होता है। मीन मध्यक, इसका संकेत होता है सिग्मा एक्स, सिंबल होता है सिग्मा एक्स, और फॉर्मूला आता है सिग्मा एक्स आई पी एक्स आई। जो एक्स आई पी एक्स आई का टोटल रहेगा वही डायरेक्ट अपना मध्यक मीन बन जाएगा। तो यहाँ एक्स आई पी का टेबल हमने बनाया हुआ है, सो टोटल कितना है 2.6, तो यहाँ पे मीन बराबर हो गया 2.6, ये हमारा आंसर हो गया मीन का। अब बात करते हैं वेरियंस के लिए, वेरियंस विचरण, तो इसका जो संकेत रहता है वो रहता है वी एक्स, ओके। अब इसका फॉर्मूला रहता है, तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर होता है पहला, दूसरा एक्स का होल स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर मतलब कौन सी वैल्यू, तो जो टेबल बनाया ना हमने, जो एक्स स्क्वायर पी आई दिख रहा है आपको, इसी को दूसरे लैंग्वेज में एक्स स्क्वायर कहते हैं, और जो एक्स आई पी आई निकला है उसको दूसरे लैंग्वेज में सिग्मा एक्स कहते हैं, राइट। तो वैल्यू समझ में आ गई होगी, तो पहले एक्स स्क्वायर, तो डायरेक्टली जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकली है 8.4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, तो एक्स में सिग्मा एक्स, तो सिग्मा एक्स का आया 2.6, उसका क्या करना है स्क्वायर करना है, हो जाएगा 8.4 माइनस 2.6 का स्क्वायर करेंगे 6.76, और माइनस कर देंगे तो 1.64, ये बन गया वेरियंस विचरण, ये हो गया फाइनल सॉल्यूशन, ये सम्स हो गया कंप्लीट। सम्स में आंसर चेकआउट करते हैं, पी इज इक्वल टू 0.1, मीन मध्य 2.6, और वेरियंस विचरण 1.64, ये कंप्लीट हो गया। एक और सम्स लेते हैं, इसको और बेटर समझने के लिए इस बार हार्ड सम्स लेते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 34 है, और ये 2014 का सम्स, ये दिख रहा होगा आपको बी, इसी तरह का सम्स दिया है, के फाइंड आउट करना है, मीन मध्यक निकालना है, और स्टैंडर्ड डिविजन लिखा गया, मीन प्रमाणित विचलन वेरियंस का अंडर रूट कर देना है, बाकी सम्स सेम ही है। यहाँ पे एक्स दिया गया माइनस वन से लेकर फोर तक, और पी एक्स दिया गया के, टू के, थ्री के, टू के, 0.4 और 0.2। तो पहले हमको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओके। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, मैं चाहता हूँ आप शेयर कीजिए। तो अब देखिए कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन, जिससे मेथड कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, तो ये 34 का पी यूनिवर्सिटी 2014 का। तो एक बार मैं सम्स लिख देता हूँ, एक्स आई और पी एक्स आई, एक्स आई में माइनस वन, 0, 1, 2, 3, 4, और पी आई दिया था के, टू के, थ्री के, टू के, 0.4 और 0.2। तो पहले वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी रहेगी। तो के लिए सिग्मा पी एक्स बराबर वन का फॉर्मूला अप्लाई करना, तो जितने भी पी एक्स है सबको क्या करना है, प्लस करना है। तो पहला है के प्लस 2k प्लस 3k अगेन 2k 0.4 0.2 इज इक्वल टू 1। तो क्या करना है, k वाले सारे प्लस हो जाएंगे, 1, 2, 3, 3, 3, 6, 6 और 2, 8, तो यहां हो गया 8k प्लस 0.2 और 0.4 दोनों को प्लस कर देंगे, 0.6 बराबर 1, और 0.6 ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो प्लस का है तो माइनस में हो जाएगा, तो 1 में से माइनस करेंगे तो 0.4 आ जाएगा, और लास्ट में k इज इक्वल टू 0.4 डिवाइड में क्या करेंगे 8 कर देंगे, राइट ना। तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.05, ये हो गया हमारा k का आंसर। तो ऑलरेडी k का आंसर निकल चुका है, आगे हमको बनाना है मीन और वेरियंस, तो उसके लिए टेबल बनाना पड़ेगा। तो बना देते हैं एक्स आई पी एक्स आई, तो पहले एक्स आई में जो डिजिट था वही का कॉपी लिख देना है, जो सम्स में था माइनस वन से लेकर फोर तक, तो माइनस वन, 0, 1, 2, 3, 4। अब पी एक्स में याद रखिएगा के की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है, तो हमको फाइनल वैल्यू बना के लिखना रहेगा। पहला ओनली क्या लिखा के, तो के की वैल्यू डायरेक्ट आएगा 0.05, और यहां लिखा 2k, 2k मींस क्या होगा 2 × 0.05, के की वैल्यू 0.05 पुट ऑन कर देंगे तो इंटू करेंगे आएगा 0.1, 3k तो अगेन 3 से इंटू करेंगे 0.05 का तो आएगा 1.5, 2k तो 2 × 0.05 0.1, फिर 0.4 डायरेक्ट आंसर ही है, नेक्स्ट 0.2, और टोटल करना आपको 1 मिलेगा, जिससे आपका k का आंसर राइट होगा। अब आगे जो मीन और वेरियंस फाइंड आउट करना है, मध्यक और विचरण, उसके दो टेबल बनाने हैं, एक्स आई पी आई
और xi स्क्वायर pi, राइट ना। तो वही करना है, xi pi का पहले इंटू करना, लेकिन माइनस का डिजिट भी है तो यहाँ माइनस में आएगा 0.05, जीरो से इंटू करेंगे 0.5, 2.0.2, 1.2, 0.8। इसको क्या करना है, प्लस, ये प्लस की डिजिट प्लस होगी और ये माइनस हो जाएगी 2.3। अब एक्स स्क्वायर पी आई, तो अगेन जो एक्स आई पी आई निकला उसका इंटू करना है हमको एक्स आई से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.05, जीरो से इंटू करेंगे तो जीरो रहेगा, 1 × 1.5, 0.2 × 2, 0.4, 1.2 × 3, 3.6, 0.8 × 4, 3.2, टोटल करना है, सारी प्लस की डिजिट है, 7.4। ये हो गया टेबल कंप्लीट। अब आते हैं सॉल्यूशन पे, तो फर्स्ट फाइंड आउट करना हमको मीन मध्यक, तो इसका होता है सिग्मा एक्स इज इक्वल टू एक्स आई पी एक्स आई, तो जो एक्स आई पी एक्स आई का टोटल आया हमारा 2.3, वो डायरेक्ट हो जाएगा मीन मध्यक। अब बात करता हूं वेरियंस की, राइट, वी एक्स विचरण, तो इसका फॉर्मूला अप्लाई करना रहता है, तो पहला एक्स स्क्वायर होता है, दूसरा एक्स का होल स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर मीन्स जो एक्स आई स्क्वायर निकाला है ना, ये होता है एक्स स्क्वायर, राइट, और दूसरा जो होता है वो सिग्मा एक्स होता है, तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी 7.4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स कितना है 2.3, इसका क्या करना रहेगा स्क्वायर, तो 7.4 माइनस 2.3 का स्क्वायर 5.29, और माइनस करेंगे 2.1, ये हो गया वेरियंस विचरण। लेकिन सम्स में हमको विचरण नहीं मांगा है, हमको पूछा गया है स्टैंडर्ड डिवीजन एसडी मांगा गया है, प्रमाणित विचलन, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, इसको अंडर रूट में लेना है, राइट ना, 2.11 का अंडर रूट ले लेना है, तो अंडर रूट का ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.45। ये हो गया सॉल्यूशन और ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। तो इस टाइप के सारे सम्स एग्जाम में वन टाइम तो पूछे ही गए। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई क्वेरी हो तो जरूर लिखिएगा, और कौन सा वीडियो चाहते हैं नेक्स्ट वो भी जरूर लिखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।